ऋतिक रोशन ने क्रिस 4 का धमाकेदार ऐलान क्यों किया है और इस फिल्म की खास बातें क्या हैं? थैंक यू, धन्यवाद शुक्रन, और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। किसी भी आर्टिस्ट या क्रिएटर का ड्रीम होता है ऑडियंस का भरपूर प्यार पाना। इसी प्यार का सबूत है आज बॉलीग्राड परिवार 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुका है। ये मुकाम बिना आपके प्यार और साथ के मुमकिन नहीं था। आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया तो हम भी आपके लिए एक उपहार लाए हैं। इसी मंडे यानी 11 नवंबर को हम एक इंटरेस्टिंग शो लेकर आ रहे हैं, जिसमें हर दिन हमारे किसी एक ऑडियंस को 1000 रुपए इनाम भी दिया जाएगा। हर एक दिन 1000 रुपए। हमारा सभी सब्सक्राइबर से निवेदन है, बेल आइकन यानी अरे भैया घंटी दबा दीजिए ताकि ये मौका हाथ से निकल न जाए। मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। ऋतिक रोशन का नाम कई फिल्मों से जोड़ा जा रहा है, जिनमें संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई, काठियावाड़ी और फरहार खान की 70 पर 70 रिमेक प्रमुख है। लेकिन अब खबर है कि ऋतिक इन सब फिल्मों को रिजेक्ट कर चुके हैं और कारण काफी दिलचस्प है। दरअसल सूत्रों की माने तो अगले महीने ऋतिक रोशन और राकेश रोशन मिलकर क्रिस 4 का धमाकेदार ऐलान करने जा रहे हैं और ये फिल्म जनवरी 2020 से फ्लोर पर चली जाएगी। माना जा रहा है कि फिल्म काफी पहले ही शुरू होने वाली थी, लेकिन राकेश रोशन की बीमारी के कारण ये फिल्म टाल दी गई। माना जा रहा है कि इस बार फिल्म में ऋतिक रोशन का डबल रोल होगा, यानी कि फिल्म के हीरो भी वही होंगे और विलन भी वही होंगे। वहीं राकेश रोशन भी पिछले गणपति पर क्रिस के आकार की गणपति मूर्तियां शेयर कर चुके हैं, तो बस फैंस भी एक धमाकेदार ऐलान का इंतजार करें। ऋतिक रोशन ने राकेश रोशन को फिल्म करण अर्जुन में असिस्ट किया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान और शाहरुख खान के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर ऋतिक रोशन की एक तस्वीर जो आप देख सकते हैं। ऋतिक रोशन ने अपना शानदार डेब्यू किया कहो ना प्यार है के साथ। ये फिल्म पहले करीना कपूर शूट कर रही थी, लेकिन फिर उन्होंने रिफ्यूजी के लिए कहो ना प्यार है छोड़ दी थी। कहो ना प्यार है ने आते ही रिकॉर्ड तोड़े थे। फिल्म हिंदी फिल्मों के इतिहास में सबसे ज्यादा अवार्ड पाने वाली फिल्म है, इस कारण कहो ना प्यार है का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। ऋतिक रोशन ने अपने डेब्यू के साथ ही बॉक्स ऑफिस सफलता का स्वाद भी चखा था। कहो ना प्यार है उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों में से एक थी। ऋतिक रोशन ने राकेश रोशन की फिल्म के साथ हिंदी फिल्मों को उनका पहला सुपर हीरो दिया और क्रिस बच्चों के दिलों में अपनी जगह पक्की कर गया। पिछले कुछ सालों में ऋतिक रोशन की निजी जिंदगी में काफी बदलाव आए, अफेयर, तलाक, कंगना, फ्लॉप फिल्में, इन सब का असर ऋतिक रोशन और उनके करियर पर काफी ज्यादा दिखाई दिया। वहीं ऋतिक रोशन ने करियर में कुछ बड़ी गलतियां भी की, जिनमें मोहन जोदड़ो जैसी फिल्म शामिल है। अब ऋतिक की वार ने बॉक्स ऑफिस पर एक सफलता का स्वाद चख दिया है, जिसके चलते ऋतिक में बहुत ही ज्यादा जोश दिखाई दे रहा है। ऋतिक रोशन की फिल्मों का ग्राफ हमेशा ही शानदार रहा। उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में काफी एक्सपेरिमेंट किए। मिशन कश्मीर से फिजा तक ऋतिक रोशन ने फैंस को सब कुछ परोसने की कोशिश की। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आप क्रिस 4 का कितना इंतजार कर रहे हैं और क्रिस 4 बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है।